सोमवार को पलासिया थाना क्षेत्र के कपड़ा व्यापारियों भाइयों पर हमला करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने दुकान पर कपड़े बदलवाने आए एक अन्य व्यक्ति से हुए विवाद के बाद हमला किया था। मामला पलासिया थाना क्षेत्र संविद नगर रोड का है। यहां पर हिटलर नाम से कपड़े का शोरूम संचालित करने वाले सागर आहूजा और प्रिंकेश आहूजा पर सोमवार रात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। मामले में पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ा है। चारों बदमाश कपड़े लेने पहुंचे थे, तभी कपड़े बदलवाने आए एक अन्य व्यक्ति से उनका विवाद हो गया था, जिसके बीच बचाव में दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। पकड़ाए बदमाशों में से एक का पुराना रिकॉर्ड भी है। कल कनाडिया रोड में एक कपड़े की दुकान में चार लड़कों ने चाकू से वार किया था, जिसमें दो भाई थे, काफ़ी इंजर्ड हुए थे। तो उनकी चोटों को देखते हुए आरोपी के खिलाफ 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें हुआ यह था कि जो आरोपी थे, ये कपड़े की दुकान में गए थे, कपड़े खरीदने के हिसाब से गए थे। वहाँ पर एक और जो कपड़ा वापस करने के लिए आया था, साहिल नाम का लड़का, तो इनमें से एक का उसका धक्का लग गया। तो धक्का लगने पर इनका आपस में विवाद होने लगा। इसी विवाद के चलते जो है ये दुकान के जो मालिक है, तो वो भी उनको बीच बचाव के लिए गए, तो इसी बात पर से इन लोगों ने चाकू निकालकर उनके साथ मारपीट कर दिया था। सर कितने लोग हैं और कितने गिरफ्तार कर लिए गए? इसमें चार लड़के के नाम आए थे और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको कल पुलिस मतलब न्यायालय पेश किया जाएगा। सर आपराधिक बैकग्राउंड भी है चारों का? अभी इसका दिखवा रहे हैं। एक लड़का जो है नाबालिग जब था उस समय उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, तो बाकी का और दिखवा रहे हैं।